हाय दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। तो अभी कहीं जा रहे हैं तो तैयार हो चुके हैं। देख लीजिए, मोनू आओ इधर, आओ मम्मा के पास आओ जल्दी। ये मोनू के पापा और बच्चे लोग, हम लोग जा रहे हैं तो देखने के लिए आए हैं हम लोगों को। तो हम लोग अकेले नहीं जा रहे हैं, काफ़ी लोग जा रहे हैं। नीनी के मम्मी, नीनी के पापा, नीनी और दो तीन लोग भाई लोग भी जा रहे हैं। तो आप लोगों को दिखाएंगे हम लोग कहाँ जा रहे हैं। आयो कितना चिल्लाते रहते हैं, मम्मी परेशान कर देते। तो ठीक है, ये मोनू को देख लीजिए, काम देख लीजिए इनका, बदमाशी भरा काम। जब देखो खाली मिस्त्रीगिरी कर रहे हैं। हाँ मम्मी, तो बच्चे लोग हम लोगों को बाय बोलने के लिए आए हैं। तो जाने के बाद में दिखाएंगे हम लोग कहाँ जा रहे हैं। बहुत अच्छी जगह है, पास में ही है यहाँ, तो आप लोग देख लीजिएगा। रख दो, चलो लग जाएगा, चलो मस्ती मत करो, रख दो, चलो। कैसे दिख रहे? अब मोनू का हेयर कटिंग मैंने किया है तो कैसे लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। दिखा दो हेयर कटिंग, दिखा दो हेयर कटिंग। हीरो बन गए ना, मार रहे मेरे को। चल मम्मा जा रही है। तो ठीक है फ्रेंड, आप लोगों को जाने के बाद दिखाएंगे, रास्ते में शूट करेंगे। बाय। और देख लीजिए नीनी और नीनी की मम्मी, दोनों बच्चे लग रहे हैं आज। तो ठीक है चलते हैं, कितना धूप है, थोड़ा जाने का मन भी नहीं लग रहा है, लेकिन क्या करेंगे, जाना तो पड़ेगा। आज छुट्टी लिए हैं तो कुछ तो काम करेंगे ना। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों को बाद में। तो देख लीजिए दोस्तों, यहीं हम लोग आए हैं आज। तो ये वाला जो रास्ता दिख रहा है, यहाँ से हम लोग आए हैं और यहाँ से आते हुए इधर से आए हैं, ऊपर थोड़ा चढ़ चुके हैं। और उधर मोनू के पापा, ये केशव है मेरा भाई है। तो आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ का व्यू, और आगे काफ़ी अच्छा व्यू है, मंदिर है। और इधर थोड़ा अलग, मतलब भगवान लोगों का पूजा होता है, हमारे छत्तीसगढ़ में हम लोग नहीं जानते। तो यहाँ के भगवान लोगों का नाम भी थोड़ा चेंज रहता है, और कर्नाटका है ये, तो यहाँ रावण पूजा भी किया जाता है, तो हमारे तरफ राम का पूजा होता है, तो आप लोग समझ सकते हैं। तो थोड़ा इधर का कल्चर थोड़ा चेंज है। और ये देख लीजिए, इधर ऐसा कुछ व्यू है। और इधर मोनू और मोनू के पापा चल रहा है सूट इनका। तो यहाँ भी मंदिर है, देख लीजिए कुछ ऐसा सा है। इधर से ऊपर जाते हैं तो उधर नीनी और उसका मम्मी पापा लोग आ रहे हैं। तो देख लीजिए देविका, और वो लोग भी शूट कर रहे हैं कुछ कुछ, तो अपने चैनल में डालेंगे। तो यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है दोस्तों, तो शायद इसमें घुसते हैं अंदर। सुरंग है पूरा, पहाड़ का नीचे है। स्टार्ट कर देंगे, लोग
मल्ला वाकल रही स्टार लॉक ये दोस्तों ये पहाड़ के अंदर में गुफा है तो अंदर घुस रहे हैं अभी थोड़ा भगवान जी का मंदिर है फिर भी डर लग रहा है मेरे को काफी ज्यादा अंधेरा है यहाँ तो उधर भी दिखा दो थोड़ा नीचे पूरा पहाड़ में बना है ये मतलब पहाड़ के अंदर में है गुफा लेकिन लाइट भी लगा है यहाँ लेकिन लाइट नहीं जल रहा है तो कहाँ से इसका स्विच है मुझे नहीं पता तो देख लीजिए गुफा कुछ ऐसे सा है और ये अंदर अंदर में कुछ कुछ है काफ़ी ज़्यादा सुरंग बना हुआ है तो अंधेरा है काफ़ी तो दिख नहीं रहा है अच्छे से इधर है रास्ता सीढ़ी है पूरा जाने का टॉर्च मारो जाते हैं अरे कुछ नहीं होगा क्यों डर रही इतना भगवान के दर पे आके नहीं डरते दो मेरे को टॉर्च दो मैं जाती हूँ भगवान के दर पे आके ऐसे डरेगी थोड़ी ना होगा टॉर्च दे मैं जाती दे तेरा मोबाइल ले दे दो मोबाइल टॉर्च लेके जाती तो देख लीजिए दोस्तों काफी ज्यादा अंधेरा है इधर मंदिर है आवा मंदिर है ये भोलेनाथ का एक मूर्ति लगा हुआ है देख लीजिए क्या बोलते हैं मैं तो नहीं जानती उतना तो अंधेरा तो काफी है फिर भी कोशिश किए हैं आने का तो यहाँ भोलेनाथ का मंदिर है देख लीजिए आप लोग सभी तो काफी अंदर है थोड़ा घुटन भी महसूस हो रहा है क्योंकि पहाड़ के अंदर ही गुफा बना है चारों तरफ का बैकग्राउंड दिखा दीजिए यहाँ का थोड़ा दूर हो जाइए पीछे अंधेरा काफी है तो फ्रेंड हम लोग अंदर गए थे तो मोनू काफी डर रहा था तो बाहर आ गए हम लोग कुछ इस तरह से व्यू लग रहा है बहुत ही अच्छा दिख रहा है तो पीछे भी आप लोग को दिखा देते हैं बहुत ही अच्छा व्यू है देख लीजिए ये मोनू डर रहे हैं तो आप लोग भी देख सकते हैं तो ठीक है मैं अभी जा रही हूँ बाहर तरफ चल आगे आगे चल धीरे 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 मेरे तरफ दिखा मेरे तरफ दिख उधर चल आगे चलो आगे चल आगे चल आगे चल कुछ नहीं होगा आगे चल तो देख लीजिए दोस्तों ये काफी ज्यादा अंधेरा तो कोई बात नहीं चलता है उतना तो करना पड़ेगा जब आए हैं ब्लॉग शूट करने के लिए तो थोड़ा अंदर जाने पे सांस फूल रहा है दोस्तों तो अभी बाहर आ गए हैं देख लीजिए काफी ज्यादा सांस फूल रहा है अंदर में हवा का थोड़ा ऑक्सीजन का कमी है और ये वाला रास्ता है गुफा के अंदर घुसना मतलब बहुत डिफिकल्ट वाला काम है तो फिर भी गए थे कोई बात नहीं इसका सामने दिखाते हैं आप लोगों को तो मैं यहाँ खड़े हो चल लो मोबाइल के आगे जा दूर में जा ले किसका किसका मत तो ये रास्ते में ही पड़ जाता है ये गुफा पहाड़ ऊपर चढ़ने के पहले और ऊपर जाएंगे मंदिर और दिखाएंगे लेकिन ये गुफा जो बना है फर्स्ट बार मैं किसी गुफा में घुसी हूँ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा हो लग रहा है लेकिन थोड़ा सांस लेने में थोड़ा दिक्कत होता है अंदर जाने पे क्योंकि अंधेरा काफ़ी ज़्यादा है और ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम हो जाता है गुफा अंदर जाने में तो आप लोग देख ही लिए होंगे तो आगे चलते हैं आप लोगों को दिखाते हैं तो फ्रेंड देख लीजिए इधर से आए हुए हैं और इधर से आते आते इधर से गए हैं तो ये रहा गुफा पड़ता है और उसके बाद उधर से जाते हैं ऊपर मंदिर और देख लीजिए ये ऊपर मंदिर है
तो ऐसे घूम के जाना पड़ता है ऐसे करके यहाँ से। तो ये गुफा वाला मंदिर है, यहीं हम लोग अभी घुसे हुए थे जैसे कि आप लोगों ने देख लिया होगा। तो आगे मंदिर चलेंगे और इसका बैकग्राउंड देख लीजिए दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, देख के बड़ा खुशी लग रहा है। सब लोग सेल्फी ले रहे हैं, फ़ोटो ले रहे हैं, काफ़ी लोग आ रहे हैं दर्शन करने के लिए भी। हम लोग यहाँ खड़े हैं तो देख लीजिए काफ़ी अच्छा व्यू है, पूरा बगान है आम का और उधर फार्म बन रहा है, आगे उधर फार्म बन रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ, अच्छा हल्का फील हो रहा है। बोलूँ आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके वीडियो ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। कोशिश करेंगे दोनों चैनल में वीडियो रेगुलर बनाने का, लेकिन क्या वीडियो बनाएं सोचना पड़ता है, कंटेंट भी। तो सोचा आज छुट्टी लिए हैं तो यहाँ घूमने ही आ जाते हैं और आप लोगों को कर्नाटका का मंदिर दिखा देते हैं कि यहाँ के कल्चर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है हमारे वहाँ से। और यहाँ लोग हिंदी नहीं बोलते, कन्नड़ा तेलुगु बोलते हैं, और कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा हिंदी आता है उनको तो एडजस्ट कर लेते हैं, नहीं आता है तो हम लोग इंग्लिश में कुछ कुछ वर्ड बोलते हैं तो वो लोग समझ जाते हैं। और इंग्लिश तो जानते हैं यहाँ के लोग, लेकिन हिंदी बहुत कम जानते हैं, कन्नड़ा तेलुगु ज़्यादा इधर बोला जाता है, यहाँ का लैंग्वेज कन्नड़ा तेलुगु है। तो ठीक है दोस्तों, तो अभी हम लोग फ़ोटो क्लिप खिंचवाएंगे, फ़ोटो खिंचवाएंगे तो आप लोगों को दिखाते हैं कि कैसे कैसे फ़ोटो खिंचवाएंगे।